नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस टीडीआई के केडियन स्वागत है। दोस्तों बहुत सारे दिनों से इंतजार था बहुत सारे विद्यार्थियों का, वो आज इंतजार खत्म हो गया है। 1760 पदों पे नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार के लिए पहले तो मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद हो, क्योंकि इन भर्तियों को बहुत ज़्यादा इंतजार था LDC की भर्ती को लेकर के कि राजस्थान हाईकोर्ट में LDC की भर्ती कब तक आएगी। सर बहुत सारे दोस्त इसके सवाल पूछते थे, पर आज इसका सवाल नहीं पूछेंगे। और आप देखिएगा पूरी जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो कि आप यहां पर देख सकते हो। तो यह जानकारी आज की यहां पर जो आपके दैनिक भास्कर है उसमें आया हुआ है, न्यूज बहुत अच्छी है। जानकारी है राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर से खबर, विज्ञापन देख सकते हो यहां पर, प्रकोष्ठ और लिपि ग्रेड सेकंड 2020-2078 नंबर, यहां पर 278 नंबर है, 19/3/2020, यानी कि आज कल जारी किया गया था, पर यह न्यूज पेपर में आज निकाला गया है। चलिए जानकारी देखते हैं। कनिष्ठ न्यायिक सहायक, कनिष्ठ सहायक तथा लिपिक ग्रेड द्वितीय के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2020, क्या जानकारी है आपको बताएंगे। और यहाँ पर आपको लेवल 5 के हिसाब से पैसे मिलने वाले हैं, और 20,800 से 65,900 संदेह होगा। तो आगे जानकारी देख लेते हैं यहाँ पर रिक्तियों से संबंधित, और ऑनलाइन के आवेदन की तिथि सब कुछ यहाँ पर अभी देखेंगे अपन, पद का नाम और क्षेत्र और सामान्य आर्थिक सब कुछ देखेंगे। ओके, कनिष्ठ न्यायिक सहायक इसके कितने पद है, 268 पद है। लिपि ग्रेड सेकंड के पद है 8 पद, कितने पद है 8 पद है, अलग अलग है यहाँ पर लिपि ग्रेड सेकंड भी। ये राजस्थान उच्च न्यायालय में रिक्तियाँ हैं 268, और यह है राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी में रिक्तियाँ 8 है लिपि ग्रेड सेकंड के। कनिष्ठ सहायक के यहाँ पर जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रिक्तियाँ हैं यहाँ पर 18 है। उसी प्रकार यहाँ पर लिपि ग्रेड सेकंड गैर अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर नॉन TSP की, तो यहाँ पर टोटल पद है कितने, 1056 पद है टोटल, SC ST EWS जनरल सभी को, OBC को सबको मिला करके। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे लिपि ग्रेड सेकंड, यदि आपको ये PDF डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का शेड्यूल भी सर्च कर लीजिएगा वहाँ पर मिल जाएगी। लिपि ग्रेड सेकंड के अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 61 पद है, कितने पद है 61 पद है। उसी के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तालुका विधिक सेवा समितियों एवं स्थायी लोक अदालतों में रिक्तियाँ कितनी, कनिष्ठ सहायक की गैर अनुसूचित क्षेत्र में 333 है, और कनिष्ठ सहायक अनुसूचित क्षेत्र में 16 पद है। चलिए जानकारी देख लेते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी। क्षेत्रीय आरक्षित पदों हेतु विस्तृत विज्ञापन, क्षेत्रीय यानी कि हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया गया है यहाँ पर। ऑनलाइन आवेदन करने की समय तिथि, तो ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 30/3/2020 यानी कि 30 मार्च से ऑनलाइन आवेदन है, सोमवार को दोपहर 1 बजे से, अंतिम दिनांक 27 अप्रैल है, कितनी है 27 अप्रैल सोमवार को 5:30 बजे तक किया जा सकेगा। इसके उपरांत लिंक को क्या कर देंगे, निष्क्रिय कर दिया जाएगा। आगे ऑनलाइन परीक्षा शुल्क दिनांक 30/3/2020 सोमवार को दोपहर 1 बजे से दिनांक 28/4/2020 मंगलवार को रात्रि 12 बजे तक जमा करवाया जा सकेगा, इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। आवेदन को सलाह दी जाती है कि आवेदन अंतिम तिथि का इंतजार व समय को किया बिना यथाशीघ्र ऑनलाइन आवेदन करें। इच्छुक अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी तो राजस्थान के उच्च न्यायालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आप जाकर के भी इसकी जानकारी को देख सकते हैं। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा, ये देख लीजिएगा। आज के दैनिक भास्कर भी ये न्यूज है जो कि मैंने वहाँ से ली है, पेज नंबर 13 है, और इसकी PDF आपको लेनी है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर से मैं बताना चाहूँगा, इससे पहले भी एक भर्ती का नोटिफिकेशन मैंने जो राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों, फोर्थ क्लास में और मल्टीटास्किंग में, प्रयोगशाला सहायक में, इन सभी में आ चुकी है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका भी मिल जाएगा आपको, उस वैकेंसी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज से उसका भी ऑनलाइन आवेदन शुरू है, 20 मार्च से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है उस वैकेंसी का, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर नीचे जाकर के एक वीडियो देखोगे राजस्थान नई भर्ती के नाम से, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा दोस्तों, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी वैकेंसी है और बहुत अच्छे पद है, उसमें आपको फॉर्म भर देना है उसका भी और इसका भी भर देना है। तो आप चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ दोस्तों, ये जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत दोस्तों।